इस मंच के माध्यम से उन चार मंत्रियों की मैं आपको पोल खोल के बताता हूँ, मेरे साथ धोखा किया उन्होंने, बंद कमरे में बिठाया गया हमने मुख्यमंत्री जी, मेरे साथ धोखा किया उन्होंने, उन चार मंत्रियों की मैं आपको पोल खोल के बताता हूँ, नाम लेता हूँ मीडिया कह रही, विक्रम सिंह ठाकुर, विपिन सिंह परमार ठाकुर, राकेश पठानिया और प्रदेश के महामंत्री त्रिलोक कपूर, मेरे साथ धोखा किया उन्होंने। मेरे सामने विधायक बैठा है, मेरे से डिबेट कर रहे कि हम लोगों को ये बहुत बड़ी पार्टियां हमें टिकट नहीं देंगे, गरीब आदमी को टिकट नहीं मिलती है, धन होता है और उसकी उसको लेकर के जाते हैं, अन्याय पार्टियां करती हैं, ऊपर के लोग शीर्ष नेतृत्व गलत काम करता है, कुछ नेता लोग जो बाहुबली नेता होते हैं, बहुत पैसे वाले नेता होते हैं, वहाँ टिकट मिलती है रसूखदारों को। जहाँ जिला परिषद सदस्य एवं भाजपा नेता कुलभाष चौधरी का जनसंपर्क अभियान एक न्याय मंच में बदल चुका है, वहीं कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के वोटरों व कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथ अब उनके समर्थन में बढ़ चुके हैं। ये सारा नजारा आज विधायक पवन काजल के गणमाने जाने वाले खोली वार्ड में देखने को मिला। एक और कुलभाष चौधरी के अपने लिए न्याय मांगने का मंजर कुछ अलग रूप में देखने को मिला। उन्होंने भावुक होकर अपना दुखड़ा जनता के दरबार में रखा। एक तरफ तो जहां कुलभाष चौधरी के न्याय मंच के पोस्टर पर भाजपा शीर्ष नेतृत्व की झलक देखने को मिल रही थी, तो दूसरी तरफ कुलभाष चौधरी के दुखड़े के आंसू के छींटे भाजपा शीर्ष नेतृत्व पर पड़कर उनसे न्याय करने का एहसास दिला रही थी। आज उन्होंने जनता को अपना दुखड़ा सुनाते सुनाते भाजपा नेताओं की पोल जनता के सामने खोल दी। इस मंच के माध्यम से उन चार मंत्रियों की मैं आपको पोल खोल के बताता हूँ, मेरे साथ धोखा किया उन्होंने, बंद कमरे में बिठाया गया और मेरे से न्यूज लगाई गई कि कुलभाष जी देखो कुलभाष चौधरी ने उसको समर्थन दिया चेयरमैन के लिए, आपने चेयरमैन बनना तो टिकट नहीं मांगनी। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं, बोले आपको हम अपने साथ विधानसभा देखना चाहते हैं। मैंने हाँ कर दी बड़बड़, और चार मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर, नाम लेता हूँ मीडिया कह रहे, विक्रम सिंह ठाकुर, विपिन सिंह परमार ठाकुर, राकेश पठानिया और प्रदेश के महामंत्री त्रिलोक कपूर और कुका जी के मोबाइल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, आप को हम विधानसभा ले जाएंगे, आप वहाँ चलो, मेरे साथ धोखा किया उन्होंने। उनका कहना था कि जब वे जिला परिषद का चुनाव जीतकर चेयरमैन की दौड़ में थे तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी उस दौड़ पर विराम लगा दिया और उन्हें विधानसभा चुनावों में विधायक टिकट का लॉलीपॉप देकर शांत कर दिया। अब जब खुले मंच से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पवन काजल को टिकट देने का ऐलान किया तो कुलभाष चौधरी के मन का गुबार भी जनता के सामने निकल गया। उन्होंने अपने मन का गुबार निकालते हुए जनता के सामने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित भाजपा के तीन मंत्रियों और एक वरिष्ठ नेता व विधायक को बाय नेम अपने न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने भाजपा शीर्ष नेतृत्व से भी दल बदलों को टिकट न देने के लिए कहा। मोदी के गुण गाते हैं, मोदी जी हमारे सबके हैं, सब सर्वोपरि हैं, लेकिन अन्याय पार्टियां करती हैं, ऊपर के लोग शीर्ष नेतृत्व गलत काम करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये कहना चाहता हूं कि आपने वहां पे आदेश दिया कि इनको भारी बहुमतों से जिताओ, जो 15 दिन पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए, कि उनको टोटल कुर्सी चाहिए, जनता नहीं चाहिए, जिनके पास तन मन तो होता नहीं है, धन होता है। इस पॉलिटिकल एंगल में जनता की ओर से कुलभाष चौधरी न्याय के दरबार में सर्वोपरि फिट दिखे। अपने कामों की दुहाई और अपने ऊपर हुए अन्याय से कुलभाष चौधरी ने जनता को इम्प्रेस कर दिया। जनता के समर्थन से व शक्ति प्रदर्शन के जोश के चलते उन्होंने मौजूदा विधायक पवन काजल को भी सीधे डिबेट के लिए ललकार दिया और कहा कि मुझे पीछे धकेलने के षड्यंत्र का खामियाजा भाजपा को आगामी चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। और जब चुनाव आते हैं 15 दिन, तो 15 दिन में कांग्रेस वाला बीजेपी में आ जाता है और बीजेपी वाला कांग्रेस में चला जाता है। मुख्यमंत्री ने
हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष रमेश बराड़ का नाम लेना भट भूल गए, महिला मोर्चा का नाम तक नहीं लिया रेखा चौधरी जो, हमारे युवा मोर्चा का नाम तक नहीं लिया, हमारे ओबीसी मोर्चा का नाम नहीं लिया, एससी मोर्चा के राजवीर का नाम तक नहीं लिया, तो क्या इन कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय नहीं हुआ? इस मंच के माध्यम से ऐलान करता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे कमल के निशान वाला चिन्ह नहीं देगी तो मैं आजाद उम्मीदवार तौर पे यहाँ पे कमल के फूल का घर जलाऊंगा। और कहा कि मुझे पीछे धकेलने के षड्यंत्र का खामियाजा भाजपा को आगामी चुनावों में भुगतना पड़ सकता है और कहा जनता जनार्दन है ये सब जानती है। कुलभाष चौधरी के जय जयकार के नारों से उत्साहित होकर उन्होंने न्याय मंच के माध्यम से चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। अब देखते हैं कुलभाष का यह फैसला भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर क्या असर डालता है और कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण को कहां लाकर खड़ा करता है। उज्जवल हिमाचल के लिए कांगड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।